हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप आयरन फार्म कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजीली तरीका होता है आयरन फार्म बनाने का। मैं जैसे कर रहा हूँ आपको वैसे ही सिर्फ करना है। पहले आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना लेना है, फिर तीन ब्लॉक ऐसे चारों तरफ कर लेना है, जैसे कि आप बनाते हैं आपका अंडर पोर्टल। वैसे ही आपको ऊपर तक चले आना है। लगभग इतना ऊपर आने के बाद आपको सीधे 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 आपको सेवन ब्लॉक्स सीधे आपको ऐसे ऐसे चारों तरफ बना लेने हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो देखिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ इसे। आपको सीधे सीधे एकदम बिल्कुल ऐसे ही आ जाना है और फिर इसे एक में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको इसे पूरा अंदर से फिल करना होगा। अब मैं इसे फिल कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे ट्रिक है, आराम से इसे फिल कर लीजिए पूरा घूमते हुए। इसको फिल करने के बाद आपको चारों तरफ ऐसे ही करके फिल कर लेना है। मैं आपको फिल करने के बाद दिखा दूँगा। ये मैं फिल कर रहा हूँ सबको। आपको पूरा का पूरा फिल हो गया है मेरा। अब देखिए इन तीनों साइड का भी मैं फिल कर लेता हूँ। फिल हो चुका है गाइस मेरा। अब उसके ऐसे एक ब्लॉक लगा के टेम्प्ररी ब्लॉक से तोड़ देना है। फिर उसके चारों तरफ ऐसे ही एक बाउंड्री घुमा देनी है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आप कर दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा जा ना सके। मैं इसके चारों तरफ घुमा दे रहा हूँ। अब देखिए हमारा घूम चुका है गाइस। अब हम लोग वाटर बकेट अभी नहीं डालेंगे वाटर बकेट। इससे पहले हम लोग नीचे दो चेस्ट रखेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे ऊपर कंट्रोल दबा के दबाए रखना है आपको, और स्पेस से आपको ऊपर जंप करना है। ऐसे आप हमें ऊपर लगा देने होंगे। मैं ऊपर लगाते हुए ऊपर जा रहा हूँ। ऐसे आप कंट्रोल दबाइए और कंट्रोल दबाने से बैठ जाएगा और फिर आप ऊपर उसको ले जाइएगा। और फिर यहाँ पे हमें होपर्स लगा देने हैं। मैं होपर यहाँ पे लगा रहा हूँ अपना। चारों तरफ ऐसे ही कंट्रोल दबा के कनेक्ट कर देंगे होपर। अब हमें मैं देखिए मैं जब वीडियो बना रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं साइन यहाँ लगा रहा हूँ। उसके एक ब्लॉक जस्ट नीचे आपको साइन लगाना है और होपर भी जस्ट एक ब्लॉक नीचे लगाना है। मैं अभी देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। ऐसे आयरन वर्म जलेगा नहीं, अभी अभी नहीं जलेगा, बाद में जब करूँगा तब नहीं जलेगा। ऐसे आप डाल रहे हैं, इसको एक ब्लॉक से जस्ट नीचे डालना है। मैं यहाँ वीडियो बना रहा था, थोड़ा मुझसे गलती हो गया था। आप ये देखिए वाटर बकेट को ऐसे डाल देना है, सीधे सीधे बिल्कुल वाटर बकेट डाल दीजिएगा पहले दोनों साइड। इधर भी डाल दिया मैंने, देखिए वहाँ पर जाकर रुक गया। अब यहाँ भी वाटर बकेट में डाल दे रहा हूँ, ये भी रुक गया। अब ये जो तीन ब्लॉक बचे हैं, तीनों ब्लॉक पर वाटर बकेट डालेंगे और फिर इन तीनों पर भी। अब ये देखिए बिल्कुल मस्त एकदम हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और अब हमें ऊपर ऊपर साइड बनाना हो। देखिए मैं जो गलती किया था अभी सुधार दिया हूँ। ऊपर एक ब्लॉक छोड़ा हूँ, यहाँ वो एक ब्लॉक मेरा छूटा हुआ है। फिर उसके बाद से लावा डाला हूँ उसके ऊपर, साइन बोर्ड नीचे है। ऐसे आपको छोटे में करना है, ऐसे एक ब्लॉक दो ब्लॉक को तीन ब्लॉक ऐसे आप देख लीजिएगा अच्छा से पीछे स्लो मोशन में करके, या जैसे भी आपको सही लगे। फिर आपको ये सेंटर पॉइंट उसका कर लेना है। फिर उस सेंटर पॉइंट से आपको यहाँ पे चारों तरफ उसके ग्लास लगा देने हैं। इससे ही हमारा इसमें आपका जॉबी चैम्बर बनने वाला है। चार ब्लॉक ऐसे आपको ऊपर जाने हैं, आप चार ब्लॉक इसको कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको इसके अंदर जॉम्बी डालना पड़ेगा। मैं जॉम्बी एक ले ले रहा हूँ। इसमें आपको जॉम्बी डाल कर इसको नेम टैग से नेम दे देना हुआ। नेम टैग से नेम देने से ये हुआ कि डिस्पोन हुआ, और ये डिस्पोन हो जाएगा तो आपको आयरन नहीं मिलेंगे। इसके बाद चार चार ब्लॉक हमें इधर ऐसे ऐसे बना लेने हैं। मैं बना रहा हूँ। अब इसके साइड साइड से हमें इसको हमें कवर करना है। ऊपर तीन ब्लॉक हम कवर कर दे रहे हैं, मैं कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा कवर। इससे आपको बिल्कुल रियल आयरन मिलेगा और आप इसको से कुछ भी बना सकते हैं। आयरन बनाइए, आपको इतना आयरन मिलेगा कि आप आयरन का बीकन बनाइए, सब बहुत इजी हो जाएगा आपका। ये देखिए बिल्कुल मस्त एकदम मैं बनाए जा रहा हूँ। आपको इसको चारों तरफ से बिल्कुल कवर कर देना है। ये हमारा इसमें हमारा विलेजर रहेगा, ये हमारा विलेजर का चैम्बर बन रहा है। अभी हम इसको बना दिए हैं हम लोग। अब इसमें हमें एक बेड लगाना है
और ये है लूम, इससे आपको विलेजर्स को जॉब देना है। अब मैंने विलेजर डाल दिया है, अब विलेजर्स को जॉब मिल चुका है। देखिए टोपी लग गई है लोगों को। विलेजर्स अगर ना हो तो रात करके आप अगर दिन कर देंगे एक बार तो ये विलेजर्स बन जाएंगे। आप जी इसलिए देखिए इनको जॉब मिल चुकी है। आपको ऊपर भी कवर कर देना है कि बारिश होने के बाद ये विच ना बने, और उसको भी जॉब भी के ऊपर भी कवर कर देना, नहीं तो वो रात में जलने लगेगा दिन में। ये देखिए थोड़ा सा ये अपना जॉब छोड़ दिया था, इसलिए मैं इसको फिर से कर दिया हूँ। इसको भी जॉब मिल चुकी है। अब आप देखेंगे अब हमारा बस आयरन, देखिए ये भी इसको जॉब नहीं मिला है अभी, तो यहाँ मैंने लगाया लूँ। नहीं हुआ तो आप बेड वेड तोड़ के ऐसे कर सकते हैं, चाहे सो के उठेंगे तो आपका हो जाएगा। अब हमें ये देखिए इसको शीशा, इसका जो कि मैं ग्लास लगाया हूँ, ग्लास यानी शीशा ही होता है समझ लो। अब मैं थोड़ा दूर चला जा रहा हूँ, दूर जाने से देखते हैं स्पॉन होता है कि नहीं। अभी स्पॉन तो लूँगा। अच्छा मैंने छोटी सी एक गड़बड़ की है, वो ज़्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं, बहुत छोटी सी गड़बड़ है। मैं ये देखिए जॉम्बीज जो है, ये विलेजर जो हैं ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। इसको देखिए अभी मैं नाइट कर दिया हूँ, अब मैं डे कर रहा हूँ, मैं डे कर दी कर रहा हूँ, डे कर दिया। ये देखिए जॉम्बी उठ गया है, और ये जॉम्बी कर रहा है यार, विलेजर्स उठ गए हैं हमारे और ये बन चुके हैं, हमारे ये बन चुके हैं। अब ये देखिए हमें इसके नीचे जाना है, पहले पहले हमें इसके नीचे जाना है और ये ग्लास तोड़ देना है, इधर का भी चारों तरफ का ग्लास तोड़ देना है, जिससे कि विलेजर्स हमारे डरने लगेंगे। देखिए आयरन गम स्पॉन भी हो गया तुरंत, ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है। आयरन गोलम अब यहाँ पे स्पॉन हो रहा है, ये इसको मैं फिक्स करने के लिए बता रहा हूँ। इस पर आपको लगाना पड़ेगा, इस पर आपको स्लैब लगाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए जल रहा है हमारा आयरन गोलम, ये जल के जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें ये आयरन देगा। अभी अभी ये देखिए अभी और आयरन गोलम स्पॉन होंगे नीचे नीचे, जब ध्यान से देखिएगा भी और बहुत सारे आयरन ग्रोन हमारे स्पॉन होने वाले। देखिए हो गया स्पॉन, इस रोड पर जल रहा है आराम से। ये भी तोड़ देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हमारा आयरन ग्रोन स्पॉन हो रहा है, हमारा फॉर्म गाइस एकदम बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी बस हमें देखना है कि हमें आयरन मिल रहा है या नहीं। ये देखिए आयरन ग्रोन तो स्पॉन हो रहा है आराम से, मर भी रहा है आराम से, लेकिन अभी तो हमें देखना ये है कि हमें आयरन मिल रहा है या नहीं। अभी देखिए सब सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हमें देखना है कि हमारा आयरन मिल रहा है। और ये जो भी ऊपर है यहाँ पे हमने हमें स्लैब लगाने होंगे, नहीं तो हमारा आयरन गोलम अभी मैं दिखाऊंगा आपको फिर से ऊपर हो जाएगा, ऊपर स्पॉन हो जाएगा। इसीलिए ये नल्ला विलेजर, इसीलिए मैंने इसको मार दिया है, मैं इसमें दूसरा विलेजर स्पॉन करूँगा। ये देखिए ऊपर हमारा एक आयरन गोलम स्पॉन हुआ है, इसको हमें ना स्पॉन हो इसीलिए हमें स्लैब लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। मैं अब देखिए इसको धक्का देकर अभी स्लैब लगाऊंगा। जा भाई नीचे जा, चल जा चल जा, ये देखिए नीचे जा। अभी मैं यहाँ पे स्लैब लगाऊंगा, क्योंकि स्लैब पर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता है, कोई भी मॉब या कुछ भी स्पॉन नहीं होता है इस पर। आपको सब जगह पर स्लैब लगा देने हैं, ऊपर ऊपर सब जगह जगह पर एकदम अच्छे से स्लैब लगा देना है, कहीं बाकी ना रहे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सब जगह स्लैब लगा दिया है। अब ये देखिए अच्छे से हुआ, देखिए अच्छे से स्पॉन हो रहा है, जल भी रहा है। हमें देखना है कि हमारा ये कितना से चमगादड़ भरे हुए हैं इसके अंदर। देखिए हमें आयरन मिल रहा है गाइस, अच्छे से हमारा फॉर्म वर्क कर रहा है। अभी मैं ऊपर से जाकर दिखा रहा हूँ, अभी भी आयरन गोलेम आ रहे होंगे एकदम अच्छे से बिल्कुल। अभी तो स्पॉन नहीं हुआ है, देखिए स्पॉन हुआ, अभी हम लोग को आयरन मिलेगा। अभी चलते हैं देखते हैं आयरन मिल रहा है या नहीं। तो अभी अभी देखिए देखते हैं हम लोग, मिल चुका है हमें आयरन, 25 हो गया, यानी कि हमारा फार्म अच्छे से वर्क कर रहा है। गाइस इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक तो कर दीजिएगा। बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ इसका, पर आज अपलोड कर रहा हूँ।